मॉर्निंग, दिस इज उत्तम फ्रॉम अमचूर से, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का है हमारा डे 7 और हम है गुजरात में। राजस्थान की ट्रिप हो गई कंप्लीट, आए हैं गुजरात में। ट्रिप जो है चलती रहेगी। आज का जो प्लान है वो ये है कि हम लोग जाएंगे रन ऑफ कच्छ देखने, उसके पहले देखेंगे कालो डोंगर और उसके बाद जाएंगे इंडिया ब्रिज। देखते हैं इंडिया ब्रिज पे जाने के लिए मिलता है कि नहीं, क्योंकि कल जैसा सीन ना हो जाए। और कल हम लोग गए थे बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने, फिर वहाँ पता चला कि बाइक अलाउड नहीं है। 2-3 घंटे इन्वेस्ट वेस्ट होने के बाद फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जो हम लोग गए थे। आज भी देखते हैं क्या है, आगे जाके पता चल जाएगा आपको सब। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आपको मिलते हैं बाइक पे, तो लेट्स गो। सो गाइस चलो रेडी टू मूव। टाइम हो गया 11:21, कालो डोंगर है 88 किलोमीटर, 1.46 मिनट, यानी कि 1.5-2 घंटे का रास्ता बता रहा है। टोटल चली अब तक 2.568 किलोमीटर। कालो डोंगर इन द सेंस का डोंगर इन मराठी। गुजरात में ठंड थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू राजस्थान। यहाँ पे रात का टेम्परेचर 9 डिग्री था और राजस्थान में वो 6 और 7 था। बट कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। इसको टाइट करना हमेशा रह जाता है, अभी वो सोएगा बार बार। सो वेलकम टू द वाइट रन। कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सो यहाँ से राइट है कालो डोंगर के लिए। सो हमें जाना है राइट, एक सीधा भी है और एक राइट जाता है। वाइट डेजर्ट 62 किलोमीटर है, वाइट डेजर्ट, और कालो डोंगर 67, लगभग 2-3 किलोमीटर का फर्क है वाइट डेजर्ट और कालो डोंगर में। सो ले लिया है राइट, तो पहले देखेंगे कालो डोंगर। वाइट ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, क्योंकि प्लेन सतह है, आगे पीछे रोकने वाला कुछ नहीं है। सो गाइस यहाँ पे आपको परमिट सब कुछ चाहिए, पर पर्सन जो है 100 रुपीज़ और बाइक का जो है 25 रुपीज़, जो हमने ऑनलाइन ही निकाला है दोनों भी, 125 पर पर्सन विद बाइक। और आपको यहाँ पे आना है कालो डोंगर या फिर रन ऑफ कच्छ, तो परमिट जरूरी है, विदाउट परमिट आपको एंट्री नहीं रहेगी। तो गाइस अगर आप कालो डोंगर की ओर आते हो तो पेट्रोल पंप है यहाँ पे, हमें लगा था कि नहीं है बट है, है। खावड़ा में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। सो हमें जाना है लेफ्ट और ये है खावड़ा, और यहाँ पे है दुकानें बहुत सारी है खाने पीने के लिए, आपको टेंशन नहीं है। सो कालो डोंगर बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे इंडिया ब्रिज के लिए और चेक तो करेंगे कहाँ तक बाइक जाती है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं। भले जाने नहीं मिला उसके ऊपर तो कोई बात नहीं, अगर जाने मिला तो अच्छी बात है। सो आए हैं तो घूमते हुए ही जाना है। ओ तेरे, इनके सिंग देख कैसे मस्त एकदम, सब एक, हाँ सब एक ग्रुप है, सब एक ग्रुप के ही है, सिंग मस्त है लेकिन ना उनके बड़े बड़े। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वाइट रन, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत है, अलग ही नज़ारा है। हम लोग अभी इंटर होंगे इंडिया ब्रिज पे। सो गाइस हम लोग हैं इंडिया ब्रिज पे, देख सकते हैं ना, हाँ हम लोग जो है इंडिया ब्रिज पे थे और जाके आगे इंडिया ब्रिज क्रॉस करके फिर वहाँ पे आगे एक चेक पोस्ट है, फिर वहाँ से रिटर्न आ गए। और वैसे परमिशन होती नहीं, किसी को मिलती नहीं, भूत से ही मिलती है, बट हम लोग चेक करने के लिए आए कि आगे जाने के लिए देते हैं कि नहीं, बट नहीं दिया। मतलब ब्रिज तो क्रॉस किए हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो है कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। सो ब्रिज के जैसे इंटर होते थे ब्रिज के ऊपर, तो कैमरा निकाल के मोबाइल वगैरह सब जेब में डाल के आपको आगे बढ़ना होता है। सो यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये इंडिया ब्रिज है, बहुत ही फेमस ब्रिज है। अगर आप आते हो तो आ जाओ वहाँ पे, ब्रिज पे जाने मिलेगा और फिर जो है रिटर्न चले आना। और यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड एरिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, एंटी ग्रेविटी स्लोप। सो यहाँ पे गाड़ी, सब जन गाड़ी खड़ी करके जो देख रहे हैं गाड़ी पीछे जा रही है कि नहीं। सो हम भी चेक करते हैं, ओ सही में आगे जा रही है अंकल की गाड़ी।
नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ खींच रहा है, पता नहीं। हाँ देख ले, तेरा देख ले, तेरा पूरा लोहे का है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा इतना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्लास्टिक है, खींच रहा है ना। सो यहाँ पे एक बार चेक करो जब भी आप आते हो तो। हाँ सही में खींच तो रहा है, बट अभी क्या थोड़ा स्लोप है इसके, बट यहाँ पे थोड़ी प्लेन सतह है, लेकिन देखते अभी है इतना चुंबकीय क्षेत्र तो रहेगा, क्योंकि वो अंकल की जो इको थी वो जा रही थी, क्योंकि वो पूरा सतह बीच में थी, वो उसे ट्राई किया ना अंकल ने वो इको वाले। सो गाइस वेलकम टू कालो डूंगर यानी के ब्लैक हिल्स। कैमल में बैठना है, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ ना, बॉर्डर देखने के लिए दूरबीन साथ में लेके जाओ। बट हम लोग देखे आए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए कालो डोंगर यानी के कालू डोंगर, डूंगर गुजराती में कालू डूंगर। सो आपकी बाइक जो है यहाँ तक आ जाएगी ऊपर, यानी कि मंदिर के बराबर सामने आप बाइक जो है पार्किंग कर सकते हो। नीचे जाने के लिए नीचे भी पार्किंग है, देखो आपके जहाँ पार्किंग मिले वहाँ तक लेके आओ। और पगड़ी जो है 20 रुपये में, आपको बांधना हो तो बांध सकते हो, नहीं तो नहीं, आपके ऊपर रहेगा। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी ऊपर व्यू पॉइंट पे, बाइक जो है पार्क कर दी है। सो सनसेट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट इन कच्छ, 458 मीटर्स अबाउ द रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट कालू डोंगर। और यहाँ पे देख सकते हो पीछे जो है पूरा ब्लू कलर का पानी, और वहाँ पे पूरा उस तरफ जो है पूरा रन, वाइट रन। और रात को हम लोग देखेंगे वो चांद के उजाले में। सो वहाँ पे देखो, नहीं आपको तो शायद नहीं दिखेगा, जहाँ पे हम लोग गए थे इंडिया ब्रिज जो यहाँ से दिखता है, और उसके लिए आपको वहाँ पे दूरबीन लेनी पड़ती है। वहाँ से देखने से अच्छा बेटर है जहाँ से हम लोग अंदर घुसे, 10 किलोमीटर चल के वहाँ पे जाओ, चल के मतलब गाड़ी से वहाँ पे जाओ, पूरी तरह से देखो और उसके बाद आ जाना। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भले अलाउड नहीं है, लेकिन आप जो विजिबली देखोगे वहाँ, यानी कि जो सामने से नज़र देखोगे, और वो यहाँ से दूरबीन से देखना उतना अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत ही लंबा है, क्या देख पाओगे। इंडिया ब्रिज देखना है तो वहाँ पर जाके देखना बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से तो, क्योंकि यहाँ तक आते हो तो 6-7 किलोमीटर और आगे जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ब्रिज जो है आप देख के जो है क्रॉस भी कर सकते हो, और भी आगे जाना है पाकिस्तान बॉर्डर पे, सो मे बी 50-60 किलोमीटर और आगे पाकिस्तान बॉर्डर है, लेकिन वहाँ के लिए परमिशन चाहिए रहेगी, और वो परमिशन कभी किसी को जल्दी मिलेगी। हम जाएंगे रन ऑफ कच्छ, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपको याद है कि नहीं। सो चलो यहाँ से चलते हैं अभी रन ऑफ कच्छ, आपको मिलते हैं बाइक पे ऑन द वे थोड़ी। थैंक यू फॉर विजिटिंग कालो डोंगर द ब्लैक हिल्स। सो कालो डोंगर देख के आने के बाद आपको आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में से राइट टर्न दिख रहा है यहाँ से, सो आप यहाँ से भी जा सकते हो रन ऑफ कच्छ के लिए। गाइस हम लोग धीरे धीरे इंटर हो रहे हैं वाइट सैंड की ओर, यानी के वाइट रन की ओर, धीरे धीरे जो कलर चेंज होता हुआ। गाइस फाइनली हम पहुंच गए टेंट सिटी, यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में टेंट है, कैंप है, रन कैंप। ओके सो हमें जाना है उस तरफ एंड, एकदम एंड में देखो वहाँ पे वाइट डिजर्ट, यहाँ से राइट लेना है वाइट डिजर्ट के लिए। चेक पोस्ट किधर है? चेक पोस्ट ही नहीं है, हो रन उत्सव, ये रहा रन उत्सव, फोटोज खींचते। तो फाइनली वी आर इंटर इन रन उत्सव। सो चलो यहाँ से अभी अंदर इंटर होते हुए, वेलकम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। So finally we are entering run of Kutch, white desert, white run, oh my god.
क्या नज़ारे है, क्या नज़ारे है। सो फाइनली व्हाइट डेजर्ट व्हाइट रन जो है चालू हो गया है, देख सकते हो दोनों तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं रणोत्सव, द रन ऑफ कच्छ। देख सकते हो चारों ओर पूरा नमक ही नमक है, नमक की व्हाइट चादर, व्हाइट रन, जो भी आप बोल सकते हो। हमारा ट्रिप था राजस्थान का, पहुंचे गुजरात में रणोत्सव में। सो आपको जो देखने मिल गया होगा, अभी जो है थोड़े ही देर में जो है सनसेट होने वाला है, देख सकते हो वहाँ पे। सो सनसेट कैप्चर करने के लिए हम इतना आ गया है, बाकी सब पब्लिक जो है वहाँ पे। सो सनसेट कैप्चर करते हैं, मिलते हैं आपको रात को। और वैसे भी आज जो है फुल मून डे है, सो यहाँ की जो ये चमक है वो रात को भी दिखेगी। सो रात को कैप्चर करेंगे सब कुछ। सो गाइज, रन ऑफ कच्छ में हम लोग अभी है और चांद का इंतज़ार कर रहे थे और चांद जो है बाहर आ गया। वैसे 7:15 बजे आया था, अभी हो गया है टाइम 9 बजे। हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में है क्योंकि चांद जब तक जो है टॉप पे आता नहीं, लगभग 12-1 बजेंगे, और हमारे लिए उतना टाइम नहीं है यहाँ पे। मतलब हमें इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि कल हमें जो है जाना है अपने घर, तो सुबह जो है जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए। सो दैट्स वाई अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और वैसे भी चांद जो है जितना आया है उतने में ही जो है रन ऑफ कच्छ में थोड़ी थोड़ी जो है लाइट्स आने चालू हो गई है। लाइक जो नमक के ऊपर जो लाइट्स गिर रही है उसे थोड़ी सी रोशनी जो आ रही है, जितना वो ऊपर आएगा उतना लाइट जो है ज़्यादा रोशनी जो है ज़्यादा पड़ेगी नीचे, और उतना वो जो है निखर के आएगा बाहर। सो हमें लेकिन उतना टाइम नहीं देखने के लिए, अभी हम यहाँ से जाते हैं अपने रूम पे। भुज में हमने स्टे किया, जैसे कि आपको पता है। जो कल का प्लान है वो ये है कि कल हम सुबह जल्दी उठेंगे, 4:30 या देखते हैं 4 बजे तक निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी हमें जो है 15 से 16 घंटे जो है राइड करनी होगी, क्योंकि 850 किलोमीटर कल कवर करनी है। सो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। आपने जितना भी देखा यही था रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे जो आपका आना है वर्थ है, आ जाओ देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ से अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपको ऑन द वे थोड़ी देर में। चलो देख सकते हो वहाँ पे ब्राइटनेस होगा, थोड़ा सा चमक जो है आएगी जब तक चांद ऊपर आएगा तब, बट अभी देखने के लिए कोई नहीं रह गया। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें पहुँचना है भुज, 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और फिर कल सुबह निकलना है अपने घर के लिए, यानी कि वसई के लिए। ये देखो सब जो है जा रहे हैं, भर भर के आए थे, लेकिन चांद की रोशनी और ये चमक देखने के लिए कोई नहीं रुक रहा है। अभी मुझे लगता है वो 6-7 गाड़ियाँ जो बची है वो भी निकल जाएगी, क्योंकि सब फैमिली वाले ही आते हैं। सो ठंड भी है, सो कोई यहाँ पे रहने की सोचेगा नहीं, और जो आने वाले हैं वो डायरेक्ट रात को आएंगे 12 बजे तक, क्योंकि फिर टेंट वाले जो यहीं पे स्टे किया होगा वो तो आएंगे रात को देखने के लिए, वो अभी नहीं रहेंगे यहाँ पे। सो यही था कुछ रणोत्सव, रन ऑफ कच्छ। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसको करते हैं बाय बाय। और अभी हमारी जर्नी, रिटर्न जर्नी चालू हो जाएगी सुबह सुबह। सो लेट्स गो गाइस।